नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बुढ़ाना इंटीरियर में। तो आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं, अगर आपको 2 BHK फ्लैट में अपना इंटीरियर करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा 2 BHK फ्लैट है, अब यहाँ पे हम पूरा इंटीरियर कर रहे हैं। यहाँ पे अब कहाँ कहाँ पे आप क्या क्या बना सकते हैं, किस तरह से आपको बना सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा मेन गेट है, यहाँ से हमारी एंट्री है। अब हमने यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो मेन गेट के इधर यहाँ पे इतनी जगह है और ऊपर जो जगह है और इधर जगह है, यहाँ पे हम पैनलिंग करने वाले हैं। यहाँ पे डोर बेल के ऊपर नेम प्लेट का प्रोविज़न देने वाले हैं। यहाँ पे हमने एक स्विच रैक बनाया हुआ है और मेन गेट से अंदर एंट्री करने के बाद ये हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई गैलरी। अब हमने क्या किया हुआ है, इधर यहाँ पे हमारे पास जो ये पिलर था, यहाँ पे हमारे पास ये 10 इंच जगह थी, तो हमने इस 10 इंच जगह में क्या किया हुआ है, यह जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक ये स्विच रैक बना रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या है, नीचे 4-5 सेल्फ दे दिए जिससे आपके नंबर ऑफ शूज आप यहाँ पे ज़्यादा रख सकते हैं। और जो ये हमारा ऊपर का जो एरिया है, ऊपर से छत से यहाँ तक, यहाँ पे अभी हम MDF की पैनलिंग करने के बाद वहाँ पे डिज़ाइनर मिरर लगाने वाले हैं डिज़ाइन में। ऊपर में यहाँ पे एक फॉल सीलिंग हमने कर दी है, यहाँ पे एक सिंगल लाइट का प्रोविज़न दिया हुआ है। अब मेन गेट से एंट्री करने के बाद ये हमारा यहाँ पे लिविंग रूम आ गया टोटल। ये सामने में हमारा यहाँ पे हम एक LED पैनल बना रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे एक हमारा पूरा LED पैनल रहेगा। ऊपर अगर आप देखेंगे ऑल अक्रॉस द बॉर्डर हमने यहाँ पे ये फॉल सीलिंग की हुई है। अब फॉल सीलिंग में भी हमने क्या है, एक ये यहाँ पे वाइट लाइट का प्रोविज़न दिया हुआ है और जो बीच में आप ये डबल प्रोफाइल वाली लाइट देख रहे हैं ये हमने यहाँ पे वॉम वाइट लाइट लगाई हुई है। अब लिविंग रूम से अंदर चलने के बाद ये हमारा डाइनिंग स्पेस आ गया है, ये हमारा किचन की एंट्री है। तो किचन की एंट्री पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये वुडन की माइका लगा के यहाँ पे पैनलिंग की हुई है। यहाँ पे ये हमारा एल शेप में किचन है, किचन का लगभग ऑलमोस्ट कॉलम काम हमारा पूरा हो गया है। नीचे हमने ये किचन का सारे बास्केट्स वगैरह बनाए हुए हैं, इधर 2 बिगर बास्केट दिए हुए हैं, इधर में हमने यहाँ पे एक ये रोलिंग शटर लगाया हुआ है। ऊपर चिमनी के दोनों साइड में ये प्रोफाइल ग्लास के पल्ले हो गए और ऊपर छत तक हमने यहाँ पे ये किचन पूरा बनाया हुआ है। इधर अगर आप देखेंगे तो इधर हमने यहाँ पे एक ये पेंट्री बनाया हुआ है, उसके साइड में हमने यहाँ पे ये फ्रिज का ऑप्शन दिया हुआ है। ऊपर भी हमारे पास थोड़ा स्पेस था तो हमने 3 बॉक्स बना दिए पल्ले लगा के, सो दैट आपका स्टोरेज का सामान यहाँ पे आप ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारा डाइनिंग का स्पेस आएगा। एक बेडरूम हमारा ये है। अब बेडरूम के दरवाजे की जो आप चौखट देख रहे हैं उस पर हमने क्या किया हुआ है, अभी यहाँ पे 12 mm की प्लाई लगा के 4 इंच की यहाँ पे पैलिंग की हुई है, साइड में भी पैलिंग की हुई है। जो ऑलरेडी बिल्डर ने गेट पे पॉलिश करके दिया है उसी के मैचिंग का पॉलिश हम यहाँ पे दरवाजे पे करने वाले हैं। एक रूम में हमने यहाँ पे ऊपर ये सीलिंग बनाई हुई है, दोनों तरफ हमने प्लेट बनाई हुई है, बीच में एक फ्लोर का प्रोविज़न दिया हुआ है और यहाँ पे एक ये स्लाइडिंग वार्डरोब बनाया हुआ है पूरा। और एक दूसरा बेडरूम हमारा ये है। अब इस बेडरूम में क्या है, ये हमारा मेन मास्टर बेडरूम है, तो यहाँ पे हमें एक ये बेड बना रहे हैं। बेड का भी लगभग आधा काम हमारा हो गया है। बेड के साइड में हमारा यहाँ पे ये दोनों साइड टेबल हो गई। साइड टेबल के साइड में हम क्या है, यहाँ पे ऊपर जितनी साइड टेबल की हमारी चौड़ाई है उतनी यहाँ पे पैलिंग करने वाले हैं, उसके बीच में यहाँ पे लाइट लगाने वाले हैं। दूसरी साइड भी हमारा ये साइड टेबल के ऊपर इस तरह से पैलिंग हो जाएगी। गेट से एंट्री करने के बाद इधर जो हमारा ये स्पेस है पिलर के साइड वाला, लगभग 3.75 फुट का स्पेस है, यहाँ पे हम एक ये ड्रेसिंग यूनिट बना रहे हैं इस तरह से। ये पीछे हमने यहाँ पे 6 mm की प्लाई लगा दी है, इस पर अभी हम लोअर्स लगाएंगे और जो ये आप राउंड में जो ये MDF का पीस देख रहे हैं इसके ऊपर हमारा मिरर आ जाएगा और इसके पीछे यहाँ पे हमारा लाइट हो जाएगी, स्ट्रिप लाइट। इधर जो बिल्डर वाला स्पेस दिया हुआ था वहाँ पे हमने ऑलरेडी एक यहाँ पे वार्डरोब बना दिया है। ऊपर में आप अगर देखेंगे तो ये हमारा विंडो हो गया, विंडो के ऊपर ये हमारा फॉल सीलिंग है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जो आपको ये जगह छुटी हुई दिख रही है यहाँ पे हमने 5 इंच जगह छोड़ दी है, तो यहाँ पे हमारा कर्टेन का चैनल लग जाएगा, यहाँ पे हम पर्दे यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह से। दूसरी साइड भी हमने ये फॉल सीलिंग की डबल प्लेट बनाई हुई है, ऊपर भी और नीचे भी आप वॉम वाइट लाइट यहाँ पे स्ट्रिप वाली लगा सकते हैं। और बीच में जो हमारा ये स्पेस है यहाँ पे हमने एक ये यू शेप में डबल सीलिंग बनाई हुई है, एक प्लेट बाहर बनाई हुई है, एक प्लेट उसके अंदर बनाई हुई है, इसमें भी दोनों जगह पे हम लाइट लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अगर अपने घर में 2 BHK फ्लैट में इंटीरियर करते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ,
अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।